जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जब इंडियन रेलवे में जब कोई लेट होती है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो यात्रियों की होती है। और आज उन्हीं ट्रेनों के लिस्ट में आज हम लोग की जो ट्रेन है, ट्रेन नंबर 15026 यानी आनंद विहार मऊ, जिसे मऊ एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, आज वो जो ट्रेन है वो बिल्कुल 7 घंटे की लेट से चल रही है। और अभी आप मेरे जो पीछे जो ट्रेन जो देख रहे हैं, ये जो ट्रेन है वो अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस है। और आप इस ट्रेन का जो डिपार्चर हो चुका है मऊ जंक्शन से, और आप इस ट्रेन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मऊ एक्सप्रेस है वो आज कितना घंटा लेट है। और इसका यहाँ पे आप डिपार्चर टाइम देखेंगे तो 12:55 पे यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम है, लेकिन आज बिल्कुल ये भी आज लेट है और यहाँ से ये जो ट्रेन है वो डिपार्ट कर चुकी है। तो दोस्तों जो अभी जो दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस जो ट्रेन अभी जो डिपार्ट की है, आप उसके टाइम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अपनी जो ट्रेन जो आने वाली है, जो आज लगभग 7 से 7.5 घंटे जो लेट हैं, वो आप उसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना घंटा लेट है। और मैं आपको लोग को बता दूं कि जो मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन की जो मऊ जंक्शन पे अराइवल टाइम है वो 5:30 की शायद कुछ टाइम है। तो आप बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो आज मऊ एक्सप्रेस है वो कितना लेट है, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है वो भी आप समझ सकते हैं। और आपको मैं पीछे बता दूं, प्लेटफॉर्म संख्या जो 2 पे जो ट्रेन जो देख रहे हैं, ये ट्रेन है मऊ प्रयागराज EMU ट्रेन। और आप इसे भी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रेन है वो कितनी लेट आज आ रही है प्लेटफॉर्म संख्या मऊ के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे। दोस्तों अगर बात करते हैं मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस की, तो ये जो ट्रेन है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन बिल्कुल 1.5 घंटे लेट पहुंची थी। यानी इस ट्रेन को आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मऊ जंक्शन के लिए आने के लिए इसे रिशेड्यूल करके चलाया गया, और इसे रिशेड्यूल करने के लिए इसे 1.5 घंटे आनंद विहार से इसे रिशेड्यूल करके इस ट्रेन को चलाया गया। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, ट्रेन नंबर 15026 यानी मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस जो 26 नवंबर को आनंद विहार से खुलने का टाइम था 1:25 पे, जिसे रिशेड्यूल करके चलाया गया, वो भी 1.5 घंटा उसे रिशेड्यूल करके चलाया गया 13:25 पे। और आप अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब कोई ट्रेन आनंद विहार से अगर डिपार्ट कर रही है शाम के टाइम 3:25 या फिर 3 बजे से, तो आप उस ट्रेन को आप अच्छा खासा आप समझ सकते हैं कि उस ट्रेन को कितना ओवरटेक मिलने वाली है। और सेम उसी कारणों से जो ट्रेन है हम लोग की आज मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन है, वो उसे अच्छा खासा उसे ओवरटेक मिली है, बैक टू बैक बहुत सारे ओवरटेक मिली है। यहाँ तक कि मैं आप लोग को बता दूँ कि जो न्यू दिल्ली की जो सबसे लास्ट ट्रेन है यानी ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस, वो भी इसे ओवरटेक की है। और ये जो ट्रेन है वो कानपुर लगभग 2 बजे रात को पहुंची है, जिसका टाइम पहुंचने का था 9:30 के पास आसपास, और ये जो ट्रेन है वो लगभग 2 बजे पहुंची है। और इस तरह करके जो ट्रेन है वो बिल्कुल मऊ जंक्शन पहुंचते 7.5 घंटा लेट हो चुकी है। और इसमें चलिए देखते हैं हम ट्रेन, और चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं ट्रेन की अराइवल, और देखते हैं कि इसमें जो यात्री हैं उनको किस चीज़ की दिक्कत की सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों बिल्कुल ट्रेन नंबर 15026 आनंद विहार मऊ एक्सप्रेस जो बिल्कुल 7.5 घंटे की लेट से प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे अराइव कर रही है। तो आप देख सकते हैं जो इसकी लोकोमोटिव वो WDT4 है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी जो ये ट्रेन है वो कितनी लेट है। भोर में की ट्रेन दोपहर को 2 बजे आ रही है, आप समझ सकते हैं कि जो ये ट्रेन है वो कितनी लेट है। 7.5 घंटे की लेट से आज ये पहली बार मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस
सात घंटे की लेट से प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे अराइव कर रही है। अगर आप लोग को इस ट्रेन की जर्नी देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो यात्रा आप देख सकते हैं। और इस ट्रेन में मैंने बहुत बार यात्रा किया हो, चाहे वो इनॉग्रेल की बात हो, चाहे वो लखनऊ या कानपुर की बात हो, इस ट्रेन से मैं बहुत बार यात्रा किया हूँ। और ये रहा एसी टू टीयर का सेकंड क्लास जो 2018 की है, और ये सबसे लास्ट कोच A1 क्लास। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, और आप लोग को ये कैसा लगा ब्लॉग आप लोग का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी जो हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल और बिल्कुल 7 घंटे की लेट से प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे पहुंची है। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं हम लोग किसी और नए वीडियो में।